भी आने वाला है, जैसे इनक्यूबेटर, डायमंड रॉयल और भी बहुत सारी चीजें। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना। चैट पर पहले हम लोग बात करेंगे न्यू डायमंड रॉयल के बारे में। और गाइस यहाँ पे जो नेक्स्ट डायमंड रॉयल होने वाला है वो आपको एक मेल बंडल देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ गाइस, बहुत ही ओपी वाला बंडल होने वाला है और यहाँ पे मेल बंडल भी है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैसा यहाँ पे होने वाला है ये कॉस्ट्यूम। बट आप लोगों को बताएं गाइस, ये बैनर है और बैनर पे हर चीज बहुत ओपी लगता है। बट आप लोगों को अभी फिलहाल मैं इसका इन गेम लुक दिखा देता हूँ कि कैसा दिखने वाला है, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कॉस्ट्यूम देख सकते हो। ये कॉस्ट्यूम जो है टोटली रियलिस्टिक वाला कॉस्ट्यूम है जो कि हम लोगों को पसंद आती है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो एक आपको इमोट टाइप का देखने के लिए मिल रहा है। ये आपको नॉर्मली नहीं मिलता, आपको पता है, ये बस कॉस्ट्यूम के ऊपर लगा हुआ रहता है। सो यहाँ पे आप लोग देखोगे ना गाइस, तो काफी सही लग रहा है ये कॉस्ट्यूम देखने में। मतलब उतना बुरा नहीं है इसका। अगर आप लोग देखोगे ये जो टी शर्ट टाइप का जो भी है इसका, वो काफी सही। पैंट मुझे पता है बहुत ही घटिया है, जूता भी बहुत घटिया है, पर इसका हैट गाइस, ये हैट काफी अच्छा है। आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे ओवरऑल कॉस्ट्यूम का लुक आप लोगों को बता दिया। बैनर जितना ओपी तो नहीं दिख रहा है, बट अब सोच सकते हैं डायमंड रॉयल के सबसे काफी सही है। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स पे जरूर बताना, ठीक है? तो चलो गाइस हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट इंक्यूबेटर। और गाइस आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट जो इंक्यूबेटर अपना होने वाला है ये कोई और नहीं, हम सबका पसंदीदा गन कट्टा यानी डबल बैरल यानी M1887 का होने जा रहा है। और गाइस यहाँ पे M1887 के आपको स्किन्स मिलने वाले हैं इंक्यूबेटर के अंदर। तो समझ सकते हो कैसा होने वाला है। तो आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, वीडियो को देखते रहो। मैं आप लोगों को हर एक स्किन और उसका जो एट्रीब्यूट है उसके बारे में बता दूंगा। साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कौन सा स्किन लेना सही होगा। गाइस हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड पे आपको देखने के लिए मिल रहा है एक ब्लू प्रिंट के बदले में आपको जो स्किन देखने के लिए मिलेगा। सो गाइस यहाँ पे आप लोगों को ग्रे कलर के अंदर ये देखने के लिए मिल रहा है। अगर बात की जाए यहाँ पे इसके एट्रीब्यूट की, तो डबल रिलोड स्पीड, सिंगल पेनिट्रेशन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे एक्यूरेसी माइनस आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके तो गाइस इसके बाद वाला स्किन गोल्डन और ब्लैक कलर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पे रेट ऑफ फायर सिंगल प्लस है, एक्यूरेसी डबल प्लस है, बट मूवमेंट स्पीड माइनस है। सो गाइस ये वाला स्किन भी काफी अच्छा होने वाला है। उसके बाद वाला ब्लू कलर के अंदर आ रहा है, इसके अंदर आपको सिंगल डैमेज, डबल रेंज और माइनस एक्यूरेसी देखने के लिए मिल रहा है। सो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन होने वाला है। बट गाइस टॉप का जो स्किन है वो देख सकते हो आपको देखने के लिए मिल रहा है ऑरेंज कलर के अंदर, जो कि थोड़ा बहुत लावा जैसा लग रहा है। और ऑरेंज और ब्लैक मतलब समझ सकते हो लुक तो काफी डेडली होने वाला है। आपको लुक भी मैं दिखाता हूँ इसका कुछ देर में। सो इसका अगर एट्रीब्यूट देख सकते हो आप लोग, डबल यहाँ पे आपको रेट ऑफ फायर मिल रहा है, सिंगल डैमेज मिल रहा है और मूवमेंट स्पीड माइनस मिल रहा है। तो गाइस अगर बात की जाए इसके लुक की, तो लुक तो कतई जहर आपको देखने के लिए मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला था लावा वाला लुक यहाँ पे है। और देख सकते हो तीन सर्कल टाइप का कुछ घूम रहा है इसके आसपास, मतलब इसका एनिमेशन कुछ इस तरीके का है। तो लुक तो भाई कतई जहर होने वाला है। आप लोग जरूर बताना आपको ये डबल बैरल लग रहा है। वीडियो अच्छी लगी है या इन्फॉर्मेटिव है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और फ्रेश वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।